80 साल के बुजुर्ग को बनाया एक दिन का डीसी। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस पर एक बुजुर्ग ने उपायुक्त के सामने रखी थी समस्या। कैथल डीसी प्रियंका सोनी ने कहा, आज आप ही हो डीसी, और बुजुर्ग को साथ में लेकर सचिवालय पहुंची डीसी। उपायुक्त की कुर्सी पर बिठाया, कुर्सी पर बैठते ही बुजुर्ग ने स्वयं वे लोगों की समस्याएं सुनी। बता दें कि आज कैथल में एक अनोखा वाक्य देखने को मिला। अंतर्राष्ट्रीय बुजुर्ग दिवस के अवसर पर बुजुर्गों के बीच पहुंची उपायुक्त प्रियंका सोनी के सामने गांव कसान निवासी 88 वर्षीय बुजुर्ग शिवचरण पुत्र सूरता ने अपनी समस्या रखी और कहा कि अधिकारी उनकी समस्या नहीं सुनते, वह अधिकारियों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं। एक कर्मचारी तो उनसे 7,000 रुपए भी ले गया। इस पर उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बुजुर्ग से कहा कि ताऊ जी, आज मैं आपको डीसी की पावर देती हूँ। मेरी कुर्सी पर आप बैठोगे और सभी अधिकारी आपके सामने खड़े होंगे। जो भी अधिकारियों को आदेश दोगे उस पर अमल किया जाएगा। कल उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी की इस पहल को देखकर हर कोई हैरान था और इसकी प्रशंसा भी कर रहा था। उपायुक्त प्रियंका सोनी ने बुजुर्ग को एक दिन का डीसी बनाए जाने पर कहा कि आज मैं बुजुर्गों के बीच गई तो उनसे उनकी समस्याएं पूछ रही थी, तो बुजुर्ग शिवचरण ने अपनी समस्याएं रखी और कहा कि उनकी समस्या पर कोई सुनवाई नहीं करता, तो उन्होंने अपनी इच्छा से ही उस बुजुर्ग को एक दिन का डीसी बनाने के लिए कहा और कहा कि आज आप अधिकारियों को आदेश देंगे। और पूरे विश्व भर में 1 अक्टूबर जो है इंटरनेशनल डे फॉर ओल्ड एज मनाया जाता है, और इस दिन को सेलिब्रेट करने का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि लोगों में जागरूकता पैदा करना कि किस प्रकार जब लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं और बुढ़ापे की तरफ अग्रसर होते हैं और वृद्ध हो जाते हैं तो उनकी किस किस प्रकार की ज़रूरतें रहती हैं और किस प्रकार हमें जो समाज का युवा वर्ग है और जो बच्चे हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उनका भरण पोषण करें और उनको पूरा सम्मान और आदर दें। तो उसी के चलते एक ये लोगों को प्रेरित करने के लिए आज का ये पूरा प्रोग्राम सेलिब्रेशन हुआ था। पहले ये बाल उपवन आश्रम जो है सनातन धर्म मंदिर के उसमें सेलिब्रेशन हो रहा था और वहाँ पे हमारे सामने बाबा जी आए और उनके द्वारा ये शिकायत की गई कि उनका जो काम है वो काफ़ी दिनों से नहीं हो रहा, और जनरली जो लोग वहाँ पे बैठे हुए थे थोड़ी मायूसी उनके चेहरे पे भी दिखी, तो उसके चलते हम इनको एक दिन के आज डीसी ही बनाया है। और जो इनका काम अटका हुआ था कसान गांव में तो उससे संबंधित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बुलाया जा रहा है और जैसे जो भी एज पर रूल आदेश दिए जाएंगे उसकी पालना भी कराई जाएगी।